Hello children, welcome in your English class. Now I am back again with new topic, use of A and N. Okay, very interesting topic. Okay, A is used with rest of the letters. Okay, N is used with A, E, I, O and U, beta. ठीक है, देखिए N is used with A, E, I, O and U means vowels. Before vowels क्या use होता है बेटा? N. जैसे see here, N orange, O. ठीक है, N egg, N umbrella means अगर हमने सिर्फ बेटा लिखा orange तो orange से पहले क्या लगेगा? N, क्योंकि ये किससे start है? O, O and O is a वॉवल. सेम हेयर एग, दिस इज ऑल्सो वॉवल, ए ई. ओके, तो एन एग. अम्ब्रेला, यू इज ऑल्सो वॉवल, सो एन अम्ब्रेला. ठीक है, एप्पल, ए इज ऑल्सो अ वॉवल, सो एन एप्पल. ओके, आंट, एन आंट. आउल, ओ एन आउल. एन आइसक्रीम, आई. ओके, आई. एन एरो. ओके, मीन्स अगर हमने कोई लेटर वर्ड लिखा है, सॉरी, और वो किससे स्टार्ट है? वॉवल से. तो वॉवल मीन्स कितने, हाउ मेनी वॉवल्स? देयर आर फाइव वॉवल्स, तो ए ई आई ओ यू. ओके, सो अगर इन लेटर्स से कोई वर्ड स्टार्ट हो रहा है तो उनसे पहले हम क्या लगाएंगे बेटा? एन लगाएंगे, ए एन एन. ओके, नाउ सी हियर, एन ऑरेंज, एन एग, एन अम्ब्रेला, एन एप्पल, एन आंट, एन आउल, एन आइसक्रीम, एन एरो. ओके, क्लियर? ओके, नाउ सेकेंड वन इज, अ इज यूज्ड विद द रेस्ट ऑफ द लेटर्स. और अ का यूज बेटा वॉवल्स के अलावा जितने कॉन्सोनेंट्स हैं उनके साथ हम किसका यूज करते हैं? अ का, ए. ठीक है, अ, रैट, मैट. ठीक है, क्या? अ रैट, अ मैट. टॉय, अ टॉय. बॉय, अ बॉय. वैन, अ वैन. अ वेल, अ लैम. अ फिश, फिश. ठीक है, ऑल दीज वर्ड्स स्टार्ट विथ कॉन्सोनेंट्स. ठीक है, ये सारे वर्ड्स किससे स्टार्ट है? कॉन्सोनेंट से. ठीक है, तो हाउ मेनी कॉन्सोनेंट्स? 21 कॉन्सोनेंट्स एंड 5 वॉवल्स. ओके, तो वॉवल्स से जो वर्ड स्टार्ट होंगे उनके पहले हम किसका यूज़ करेंगे बेटा? ए एन एन. और कॉन्सोनेंट से जो वर्ड स्टार्ट होंगे उनके पहले क्या यूज़ करेंगे? आ. ठीक है, तो आप लोगों ने देखा जैसे यहाँ पे बेटा वॉवल्स वाले, एन ऑरेंज, एन एग, एन अम्ब्रेला, एन एप्पल, एन आंट, एन आउल, एन आइसक्रीम, एन एरो. नाउ ए वाले, अ रैट, अ मैट, अ टॉय, अ बॉय, अ वैन, अ वेल, अ लैम, अ फिश. ये देखिए, आर एम टी बी वी डब्ल्यू एल एफ, ये सब क्या है? ऑल दीज आर कॉन्सोनेंट्स. ठीक है, अंडरस्टूड बेटा? ना, आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि जो वर्ड्स वर्ड्स उससे वॉवल से स्टार्ट होंगे, ओके ओके, तो उसमें आप इसका यूज़ करोगे बेटा एन का, ए एन एन. ओके, क्लियर? इज देयर एनी कन्फ्यूजन? नो. ओके, नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज प्रैक्टिस. ओके, प्रैक्टिस ब्रेक. नाउ टेल मी, हियर इज प्लेट. तो ए और एन, विच? ए. क्या आएगा यहाँ पर? अ प्लेट. ओके, अ प्लेट. एक्सक्यूज मी, नाउ फ्लैग. दिस इज अ फ्लैग, दिस इज एफ ना, तो एफ तो कॉन्सोनेंट, सो पुट हियर ए, अ
फ्लैग. ओके नाउ नेक्स्ट वन इज एरो, ए डबल आर ओ डब्ल्यू, एरो. नाउ सी दिस इज वॉवल. ओके तो वॉवल से पहले ए एन एन, ए एन एन. ओके नाउ सी हियर हैन, वॉवल नो, दिस इज कॉन्सोनेंट, स्टार्ट विथ कॉन्सोनेंट ना, दिस इज एच, सो हियर वी पुट ए, अ हैन. ओके नाउ हियर एन ऑरेंज, यस वेरी गुड, बिकॉज ओ इज वॉवल. ओके सो ऑन एन ऑरेंज. ओके नाउ नेक्स्ट वन इज वैन, वी, तो अ वैन. ओके शर्ट आ या एन, अ शर्ट. ओके वेरी गुड. नाउ रेट अ रेट. ओके इग्लू ए या एन, एन बिकॉज आई इज वॉवल सो पुट हियर एन, ए एन एन. ओके एन इग्लू. नाउ इट इज बलून, यस टेल मी ए या एन, ए अ बलून, अ बलून. नाउ इट इज डी, डियर, डियर डी कॉन्सोनेंट सो पुट हियर ए, अ डियर. ठीक है नाउ एग, E double G egg, E, तो E is a vowel, so put here N. N egg, okay. Now clear beta, A and N. Before consonant use A and before vowel use N. Okay then how many vowels are there? 5, A E I O U. So before vowel use N, and how many consonants? 21 consonants are there. So before consonant use A. Clear? Any confusion? No na? Okay now all of you have to do practice. Okay we'll meet again till then.